हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और तिलक लगा के स्वागत करता हूँ, दिल से स्वागत करता हूँ आपका मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि भाई आप जानते हैं, हम डेली आपके लिए खोज खोज के बेहतरीन, इंपॉर्टेंट और सबसे ज़रूरी ओरिजिनल अपडेट्स आपके लिए लेके आते हैं भाई लोग। अपडेट आ रही है RRB की तरफ से, जूनियर इंजीनियर, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, असिस्टेंट लोको पायलट, टेक्नीशियन ग्रुप डी, इसका टेंडर जारी कर दिया गया है भाई। सर दर्द हो जाता है सुबह सुबह उठो और इस तरीके के वीडियोस यूट्यूब पर चलते हैं जो कि एकदम मतलब दिमाग का दही कर देते हैं यार। सच्चाई बताता हूँ, पूरा सच इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये टेंडर आखिर है किस लिए और यह क्यों जारी किया गया है बेसिकली। उसके अलावा जो ओपन कैटेगरी में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में जो फ्रेशर्स के लिए JEE, SSC, NTPC, ALP टेक्नीशियन ग्रुप डी, इसका एग्जाम कब तक हो सकता है और अगर नोटिफिकेशन जल्दी नहीं आता है तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उस बारे में बात करेंगे। और कई भाई क्या बोलूं मैं यार, RPF का एक नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है, फर्जी नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है, तो उस बारे में भी बात करेंगे इस वीडियो में। आप बस आखिरी तक बने रहिएगा मेरे साथ। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं मैकेनिकल गुरु। चलिए करते हैं इस वीडियो को शुरू। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आज दिल से इस वीडियो में एक प्यारा लाइक आपका चाहिए। आप प्लीज अपनी तरफ से एक प्यारा लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, खासकर इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अवेयरनेस फैलाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इनके चक्करों में फंस चुके हैं भाई लोग। YouTube खोल के देखा मैं भैया, कई सारे वीडियो मेरे को नजर आ गए जहां पर हमें ये बताया जा रहा है कि रेलवे में टेंडर जारी कर दिया गया है, जूनियर इंजीनियर का, सीनियर सेक्शन इंजीनियर का, ALP का, टेक्नीशियन का, ग्रुप डी का, फलाना का, ढिकाना का, और टेंडर की डेट भी हमें बता दी गई है, जल्दी एग्जाम कंडक्ट कराया जाने वाला है, फलाना फलाना ढिकाना, पता नहीं भाई क्या क्या, लेकिन कोई सबूत नहीं, कुछ समझ में नहीं आता यार। ऐसी वीडियोस को तो रिपोर्ट ही करना चाहिए और जो सही बताता है उनको सपोर्ट भी करना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ जो सही बताता है उनको भरमार सपोर्ट करो, लेकिन जो गलत बताता है ना भाई, उसको दबा के आप लोग रिपोर्ट किया करो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फ्रेशर्स के लिए JEE, SSC, ALP, टेक्नीशियन ग्रुप डी, NTPC, इसका नोटिफिकेशन कब तक आने का है। दोस्तों, 2024 में लोकसभा चुनाव होने का है और मार्च तक आचार संहिता लग जाने की है। रेलवे की तरफ से अभी तक कोई भी इसके लिए कोई शॉर्ट नोटिफिकेशन हमें नहीं दिया गया है, कोई इसके लिए कोई टेंडर जारी नहीं किया गया है, कुछ भी अपडेट रेलवे की तरफ से नहीं दी गई है। January 15th तक का हम वेट कर सकते हैं, उसके बाद तो भाई हंगामा करना ही पड़ेगा, उसके बाद कोई चारा नहीं रहेगा। ट्विटर पर मिलियन क्या बिलियंस में हमको ट्वीट करना पड़ सकता है भाई, हर जगह विरोध प्रदर्शन करना पड़ सकता है, क्योंकि हमको नौकरी चाहिए। यहाँ पे डिप्लोमा वाले, BE, BTECH वाले, टेक्नीशियन मतलब जो टेक्निकल की पढ़ाई की है, खखवाए बुखाए बैठे हुए हैं, एज लिमिट निकलते जा रही है, समय निकलते जा रहा है, घर वालों के ताने लगातार सुनने पड़ रहे हैं। तो यार ये रेलवे के लोग भी तो अजीब है यार, फ्यूचर के बारे में सोचते नहीं है। अभी एग्जाम हुआ, अभी कौन सी कोई फर्जी सी कंपनी एग्जाम कंडक्ट कराई, क्या ऐप टेक करके पता नहीं क्या फर्जी एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी इन लोगों ने मतलब हायर किया और एग्जाम करवाया, डिपार्टमेंटल एग्जाम करवाया, उसमें भी सर्वर फेल, उसमें भी 10 प्रकार के नौटंकी हुए, वो एग्जाम को भी अभी कैंसिल करना पड़ा। यार मैं भी सोच रहा हूँ मैं भी एक एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी खोल देता हूँ यार, कम से कम करोड़ों में मुनाफा तो हो जाएगा यार एक बार में। और इन लोग तो कुछ फ्यूचर के बारे में सोचते नहीं है कि अगर हम इनको एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी के रूप में ले लेंगे तो फिर आगे फ्यूचर में क्या हो सकता है, क्या ये इतने एलिजिबल हैं, क्या ये इतने मतलब क्वालिफाइड है, क्या इनके पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि इतना बड़ा एग्जाम को कंडक्ट करवा सके। TCS इतनी बड़ी एजेंसी है, उन लोग उसको भूल गए क्या, ऐप टेक पता नहीं किसको इन्होंने
एग्जाम कंडक्ट करने का ऑर्डर दे दिया, और एग्जाम में फिर क्या हुआ, सर्वर क्रैश, दुनिया भर का लोचा, दुनिया भर के वीडियोस आपने देखे होंगे यूट्यूब पर। अब एक ठोक और क्या बोलूं भाई, फर्जी तरीके से एक ठोक नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है कि ना बहुत जल्दी टेंडर, बहुत जल्दी क्या, निकल ही चुका है ऑलमोस्ट टेंडर ओपन कैटेगरी के लिए बोला जा रहा है, जिसमें फ्रेशर, जेई, एनटीपीसी, एएलपी, ये सब के लिए एग्जाम के लिए रेलवे ने टेंडर जारी किया। अरे भाई वो जीडीसीई के लिए है, वो जनरल डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए है, जो अभी एग्जाम कैंसल हुआ है ना, वह एग्जाम के लिए फिर से इन्होंने टेंडर जारी किया है। थोड़ा दिमाग लगाया करो भाई, वीडियो बनाने से पहले से व्यूज, लाइक्स और थोड़े से डॉलर्स एडसेंस के चक्कर में कुछ भी बना दोगे क्या भाई, कुछ भी बना दोगे क्या? देख सकते हैं अभी आप स्क्रीन पर, ऐसे कई सारे वीडियोस अभी यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे जहां पे बताया जा रहा है कि नया टेंडर निकाला जा चुका है, और इस टेंडर के लिए लास्ट डेट हमें बताई जा रही है 29/1/2024। भैया जीडीसीई के लिए ये टेंडर है, डिपार्टमेंटल जो एग्जाम हुआ अभी जो कैंसल हुआ उसके लिए ये टेंडर है, ना कि ओपन कैटेगरी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए टेंडर है। फुल दिखाता हूँ मैं आपको इस टेंडर के अंदर क्या लिखा हुआ है। टेंडर नंबर देखिए आप, RRC चेन्नई जीडीसीई 29/1/2024 क्लोजिंग डेट। लेकिन जीडीसीई पे क्यों नहीं ध्यान देते, ये जनरल डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए जो एग्जाम होता है उसके लिए ये टेंडर जारी किया गया है, ना कि फ्रेशर्स के लिए ये टेंडर जारी किया गया है। आप देख सकते हैं एग्जाम कंडक्ट कराना है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, CABT और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फलाना ढिकाना जितने भी इनके चोचले होते हैं उन सब के लिए, और ये सब चीज़ें डिटेल्स हमें इस टेंडर में बताई गई हैं। तो एक बार टेंडर पढ़ तो लिया करो भाई वीडियो बनाने से पहले यार, टेंडर के आप बिड देखिए, रेलवे इतना बड़ा एग्जाम कंडक्ट करवा लेगा, रेलवे फ्रेशर्स के लिए NTPC ग्रुप डी, LP टेक्नीशियन, JEE SSC लाखों पोस्ट के लिए एग्जाम हो जाएगा। अरे थोड़ा तो भाई दिमाग लगा लिया करो यार, GDCE के लिए है ये, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए, जो अभी एग्जाम कैंसिल हुआ है मेरे ख्याल से ये उसी के लिए है भाई। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि फ्रेशर्स के लिए नहीं है, तो जो लोग बोल रहे हैं कि ये फ्रेशर्स के लिए है वो आपको सरासर मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। वैसे ही हम लोग खखवाए बुकाए बैठे हुए डिप्लोमा BE BTECH वाले अपने पे आ गए तो फिर भाई तुम्हारी लग जाएगी, अपने पे हम लोग आ गए तो तुम्हारी लग जाएगी, मैं सही बोल रहा हूँ। साफ साफ लिखा हुआ है जो CBT शेड्यूल था 19/12/2023 से 23/12/2023 GDCE 2023 के लिए, उसे पोस्टपोन कर दिया गया है। यही आगे देखिए, यही रेलवे रिक्रूटमेंट सेल चेन्नई की तरफ से, यही टेंडर डॉक्यूमेंट को आप एक बार फिर से देख सकते हैं, ये अलग तरीके से है। यहाँ पे भी हमें बताया गया है कि जनरल डिपार्टमेंटल कंपटेंट एग्जामिनेशन के लिए है ये, डेटेड 15/12/2023 वही नोटिफिकेशन है जो अभी लोग बोल रहे हैं कि ओपन कैटेगरी यानी कि फ्रेशर्स के लिए यह निकला हुआ है। क्या बात करते हो भाई लोग, मतलब थोड़ा तो दिमाग लगा लिया करो यार, थोड़ा तो दिमाग लगा लिया करो यार। अब इसके बाद हम एक और बात करते हैं, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है, कई लोगों की तरफ से निकाल दिया गया है। ऐसे ऐसे फर्जी लोग इंडिया में भरे पड़े हैं भाई कि कुछ भी कर सकते हैं यार पैसा कमाने के लिए, मैं आपको क्या बताऊं। आप देख सकते हैं यार नोटिफिकेशन स्क्रीन पर, RPF रिक्रूटमेंट 2024 अप्लाई ऑनलाइन नाउ, 12,476 पोस्ट रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में, 10th और ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं, जनवरी में नोटिफिकेशन आने वाला है, फरवरी लास्ट डेट होने वाली है। वेबसाइट देखिए भैया, रेलवे की वेबसाइट नहीं है, वेबसाइट है studyfordreams.in। लगता है ये कोई नया कोई रेलवे अपनी वेबसाइट को छोड़ के लगता है अब पूरी अपडेट इसी वेबसाइट पर देने लगा है, रेलवे की वेबसाइट का कोई मतलब ही नहीं है, है ना, इसी वेबसाइट से अब आपको सब अपडेट में। अरे भाई
कितना लालच करोगे और इतनी मेहनत, इतना बड़ा नोटिफिकेशन बनाया तुमने, इतनी मेहनत कहीं और कर लेते तो भाई भला हो जाता, तुम्हारा भी और किसी और का भी, तुम्हारे परिवार का भी, सबका भला हो जाता। लेकिन तुमको तो मूर्ख बनाना है ना लोगों को, तुम्हारा काम है लोगों को मूर्ख बना के पैसा कमाना, और तुम वही कर रहे हो। देखो बोलते हैं 12,000 प्लस पोस्ट है मेल फीमेल के लिए, कांस्टेबल के लिए 9,000 पोस्ट है, सब इंस्पेक्टर के लिए 3,000 से ज्यादा पोस्ट है, और भैया जनवरी में नोटिफिकेशन आने वाला है, फरवरी में लास्ट डेट है, इसके बाद इंपॉर्टेंट लिंक्स भी दे दी गई है, अप्लाई ऑनलाइन की लिंक दे दी गई है, नोटिफिकेशन की लिंक दे दी गई है, उसके नीचे क्या लिखा है, HDFC बैंक रिक्रूटमेंट 2024 क्लिक किया। अरे भाई रेलवे अगर कोई अपना रिक्रूटमेंट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकालेगा तो उसमें HDFC बैंक के रिक्रूटमेंट का प्रचार या फिर उसका नोटिफिकेशन की लिंक क्यों देगा? रेलवे अपनी वैकेंसी भराएगा कि HDFC बैंक की वैकेंसी भराएगा? अजीब ही बात है यार, मतलब कुछ कॉमन सेंस होता है किसी चीज में? ना रेलवे के अधिकारियों में कोई कॉमन सेंस है, ना उन लोग फ्यूचर देख सकते हैं, ना ढंग से एग्जाम कंडक्ट करवा पा रहे हैं, एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी पता नहीं क्या सड़ी सी लिए हुए हैं, TCS कहाँ पे है, थोड़ा ज्यादा उन्होंने बोल दिया होगा पैसा तो TCS को लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। अरे भैया माफ कर दो यार, और हम लोग को माफ कर दो भाई, जो BE BTECH डिप्लोमा किया, गलती हो गई हम लोगों से, एक बार और रिक्रूटमेंट निकाल दो भाई, हमारी एज लिमिट निकलते जा रही है यार, लोगों की एज लिमिट निकलते जा रही है यार। तुम्हारी तो नौकरी लग गई है, सरकारी नौकरी लगी हुई है, रेलवे में बैठे हुए हो, सरकारी काम है, आराम से आपका चल रहा है, धीरे धीरे महीने दो महीने में तुम्हारी फाइलें पास हो रही है, हमारा क्या, हम तो दिन रात प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, हमारा तो एक एक पल एक एक सेकंड कितना कीमती है आपको नहीं पता, क्योंकि आपके लिए टाइम का तो कुछ वजूद ही नहीं है, आप तो कल करे परसों करे नरसों करे आपको क्या फर्क पड़ता है, आप तो जीत ही रहे चुनाव, आपको कोई फर्क उससे पड़ने वाला नहीं है। और ये जितने भी लोग यार ये फर्जी तरीके से वीडियो बनाते हैं यार, व्यूज के लिए, लाइक्स के लिए, गूगल एडसेंस से पैसे कमाने के लिए, भाई आप लोग इनका वीडियो देख लो, समझ में अगर आता है ना रिपोर्ट मार दिया करो यार, और जो सच बताता है ना उसको सपोर्ट भी किया करो, जो सच बताता है उसको सपोर्ट भी किया करो। और आने वाले समय में बस जनवरी आने दो भाई, कुछ बड़ा करना पड़ेगा रेलवे का, अगर ओपन कैटेगरी में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में फ्रेशर्स के लिए अगर JEE SSC NTPC LP वैकेंसी निकालना है, कुछ बड़ा हम लोगों को ही अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, ताकि कोई सुने, ये बहरे लोग जो हैं इन लोगों की कानों तक आवाज पहुंचे, हम ही लोग को कुछ करना पड़ेगा। आप ही बताइए, ट्विटर में तो हम कर देंगे मिलियंस में ट्वीट, उसके अलावा हम और क्या करेंगे? आपका क्या आइडिया, आप क्या सोचते हैं इस बारे में जरूर बताइएगा मुझे नीचे कमेंट्स में, मैंने जो जो बातें की इस वीडियो में क्या आप उससे एग्री करते हैं, यह भी बताइएगा मुझे नीचे कमेंट्स में। इसके अलावा आपके पास या फिर आपके मन में कोई डाउट है तो वो भी बताइएगा मुझे नीचे कमेंट्स में। आपको ये वीडियो कैसा लगा भाई जरूर बताइएगा, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भाई लोग पसंद आया होगा, पसंद आए लाइक जरूर करना भाई, शेयर जरूर कर देना इसे अपने दोस्तों के साथ यार, मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। और मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोज लेटेस्ट अपडेट लेके आता रहता हूँ। बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे भाई लोग, जय जवान जय किसान।